टिक्की में रख दूंगा, बस तू खा वाला टिक्की दूंगा। कितना बहुत बहुत ये चुप नहीं करता है। तो गाइस देख सकते हो आप, आज खड़े हैं हम इंडियन एसयूवी के सामने, तो कुछ इस टाइप की दिखती है इंडियन एसयूवी, टाटा हैरियर। देखिए कैसे आ रहे हैं, इसमें गाइस ये है इसकी टेल लाइट्स, देख सकते हो आप। तो गाइस बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको सबसे पहले इसका, तो देख सकते हो आप कितना ही खुला, कितना ही अच्छा है, मतलब बूट स्पेस इसका देख सकते हो। हर्षित भाई बैठ के दिखा रहा है इस पे, देख कितना स्पेस है। एक बंदा, एक नहीं चार बंदे तो इजीली बैठ सकते हैं भाई, बैठ के दिखाना। हर्षित भाई बैठना तुम, पकड़ना जरा भाई इसको, और देखिए अपनी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इन्होंने लेट भी रखा हुआ है, एक्स्ट्रा सेफ्टी। भाई बैठना तुम भी, पता चल जाएगा। लॉट्स ऑफ स्पेस मेरे जैसे ये बंदे आगे बैठे हैं, और हमारे भाई ये चार आदमी आ सकते हैं इसमें, आ जाएगा ये तीन बंदा। तो गाइज ये बनी है लैंड रोवर के ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज यहाँ मिलते हैं आपको गाड़ी के पार्किंग सेंसर, इसमें चार सेंसर हैं देख सकते हो आप। तो गाइज बैक में मिलता है आपको रियर वाइपर विद डिफॉगर के साथ। सत्रह इंच के अलॉय है गाइज इसमें, देख सकते हो आप। तो गाइज देख सकते हो आप टायर प्रोफाइल इसका है 235/65 R17। आगे मिलते हैं आपको डिस्क, तो पीछे ही मिलते हैं आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स। यार इतनी महंगी गाड़ी में तो पीछे भी डिस्क होने चाहिए थे, होने चाहिए थे भाई, एक्चुअली 300 में आते हैं। हाँ इसमें क्यों नहीं है फिर, कंप्लेंट करो भाई टाटा जी को, मेल करो टाटा जी को। तो गाइस ये इसके DRL, मतलब लो बीम वाली LED है और हाई बीम वाली और क्या फॉग लैंप। तो गाइस लेके चलता हूँ आपको अंदर, थोड़ा अंदर का एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है गाड़ी के अंदर। तो गाइस कुछ इस टाइप का है इसका इंटीरियर, वुडन की बता दे, जो वुडन में बता। गर्मी हो रही है भाई, कवर लगवाए ऐसे आए, कौन से कवर गाइस। सबसे पहले देख सकते हैं अभी इसका 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको, ये है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, बिना की के आप इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको की रखनी है अपने हाथ पे, और यहाँ पे या तो जेब में रखो इसको या तो यहाँ रख सकते हो आप, देख सकते हो आप यहाँ रख दिया मैंने। पहले इसका ये बटन प्रेस करना है आपको, इसका ये स्टार्ट स्टॉप का, अगर स्टार्ट करनी है तो क्लच के साथ, अगर नॉर्मल रखना तो ऐसे ऑन, तो ऐसे हो जाती है गाड़ी। तो देख सकते हो गाइस, आंटी नैप, चाचा चाची नैप, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे। तो गाइस ये है इसका इंफोटेनमेंट क्लस्टर, तो ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। गोली मारे आपके साथ तो गाइस देख सकते हैं इसके ORVM, जो इसके हैरियर के ओनर है वो बाहर घूम रहे हैं, देख सकते हो आप। तो गाइस यहाँ मिल जाता है आपको मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील, तो देख सकते हो आप इसमें ही है वॉल्यूम का बटन है कि, ये देखो ये सर्चिंग, आगे पीछे का बटन, ये है कॉल रिसीव करने का, कॉल काटने का, म्यूट भी यही है, और ये है ब्लूटूथ का इसका, ये इसमें वर्क करता है, ये देख सकते हो। और ये क्रूज कंट्रोल का है, ये क्रूज कंट्रोल ऑफ करने का। गाइस इसमें लगा है JBL का सिस्टम, देख सकते हो आप। और ये आपको पूरा वुड फिनिश में मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है गाड़ी में, ये देख सकते हो गाइस। इसमें मिलता है आपको एयरप्लेन स्टाइल हैंड ब्रेक, जो कि बहुत प्रीमियम बना देती है कार को। तो गाइस टोटल इसमें 6 गियर है। तो गाइस ये सबसे बड़े फीचर्स का ये है कि आपको ये सिस्टम मिल जाते हैं इसमें, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। तीन मोड मिलते हैं आपको, एक रफ रोड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव,
और एक मिलता है wet mode. तो गाइस सबसे बढ़िया गाइस ये आपका सबसे बेस्ट फीचर है इसका, हिल होल्ड में आपको मतलब जैसे आप किसी पहाड़ी से उतर रहे हैं तो आप इसको प्रेस करके, जैसे आप ब्रेक का यूज ज्यादातर करते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ मिल जाता है आपको वैनिटी मिरर को-ड्राइविंग सीट के सामने, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। लेकिन इन्हें यहाँ भी देना चाहिए था, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है इन्होंने, देख सकते हैं यहाँ तो खाली छोड़ के रख दिया बस। भाई की हाइट है 6 feet, तो देख सकते, दिखाता हूँ आपको कि 6 feet का आदमी इसमें इजीली बैठ सकता है। उधर को ना देख सकते हैं आप कितना स्पेस है, अभी भी बहुत है, इजीली 6 feet का बंदा इसमें आराम से बैठ सकता है। पीछे बैठना अर्चित भाई, आप तो भी बैठ अर्चित भाई के, भाई की हाइट है 5.4 भाई, बैक स्पेस सही है बैठने में, कोई परेशानी नहीं, कंफर्टेबल रियली। तो देख सकते हैं गाइस 6 feet का बंदा भी इजीली एडजस्ट हो सकता है पीछे वाली सीट पे। और आपको एक मेन बात जो मैं बताना चाहूंगा, घुटने वगैरह भी नहीं लग रहे भाई के बिल्कुल, एक जो आपको मेन बात बताना चाहूंगा, डोर बिल्ड जो क्वालिटी है इसकी इतनी अच्छी है, बिल्कुल सेफ्टी आप देख भी सकते हैं। हाँ ये तो है ही डोर का, और ये आपको 8 speaker मिलेंगे JBL के, कंपोनेंट वगैरह सब मिला के, एक सबवूफर, 4 speaker। तो देख सकते हैं आप डोर की आवाज सुनाऊंगा, टाटा ने अच्छा काम किया है हैरियर पे, वो बट गया लग के। तो गाइस पीछे से कुछ इस टाइप का दिखता है फ्रंट का एरिया, देख सकते हैं आप कितना प्रीमियम काम किया है टाटा ने, मानना पड़ेगा भाई। तो हर्षित भाई कैसा लग रहा है आपको गाड़ी में बैठ के, कुछ बताइए, एक नंबर कैसी फील आ रही है, एकदम लग्जरी फील। तो गाइस ये है कार के ओनर भाई, ये रही चाबी, स्टार्ट करके दिखाना हर्षित, देखो दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही है हर्षित भाई, है ना, बहुत हो रही है। तो सबसे पहले तो हर्षित भाई ये बताओ आप स्कॉर्पियो क्यों नहीं लिया आपने, जैसे आपने बताया था कि स्कॉर्पियो लेने वाले थे आप, तो एकदम से क्या हुआ कि टाटा हैरियर पे जाना पड़ा आपको? भाई हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, लेनी स्कॉर्पियो थी क्योंकि स्कॉर्पियो पहले से ही रही है। हाँ आपके पास तो वैसे ही 2 scorpio थी, तो भाई स्कॉर्पियो थोड़ी पहले भी उसकी हुई थी, तो ये है कि उस पर थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता था, कॉन्फिडेंट सा था, बढ़िया गाड़ी थी जैसे बताया था, बिल्ड क्वालिटी मतलब ठीक लगती थी, बट ये कि एक बार देखिए चीज भी जाके तो भाई ये भी पसंद आ गई तो ये ले ली। तो अभी तक कोई शिकायत वगैरह या मतलब कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप इस चीज से? भाई गाड़ी से ओवरऑल को अभी तक कोई शिकायत नहीं है, बस स्टार्टिंग में जब आई थी तब इसका मतलब मुझे लगता था, क्योंकि स्टार्टिंग से मतलब थोड़ी जब से मैंने सीखी थी तो स्कॉर्पियो चलाई थी तो वो थोड़ी ऊंची थी, उसमें दिखता था, इसमें कि थोड़ा गोद में बैठे कि इसी तो दिखता नहीं था, मतलब लगता था ऐसा कि दिख नहीं रहा, बट ये कि विजिबिलिटी वगैरह सब ठीक है, थोड़ी लग्जरी टाइप फील है, अच्छा लगता है, मतलब चलाने भी बढ़िया है, जैसे कि लगता था स्कॉर्पियो में कि हाँ मतलब एक धाकड़ वाली फील। स्कॉर्पियो की देख रोड प्रेजेंस तो हमेशा से भाई जब से आई है स्कॉर्पियो उसकी गाड़ी की, तो वही है कि पॉलिटिशियंस पे भाई और ये गुंडे उंडे लोग ही रखे हैं ज्यादातर, और उसकी रोड प्रेजेंस है भाई धाकड़ वाली, इसकी भी मतलब बहुत ज्यादा है जब से आई है, अच्छी खासी रोड प्रेजेंस है, बट भाई वो है कि स्कॉर्पियो ही अपनी जगह ठीक है, जो इसकी सेगमेंट है ये विड्थ वाइज उससे चौड़ी है, लेंथ वाइज उससे लंबी है, और हाइट में हल्की सी कम है, बहुत पूरी बड़ी गाड़ी भाई, कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है, एसयूवी मतलब मान सकते हो इसे, खाली को सेगमेंट दे रखा है क्योंकि 5 seater है, पर इसका बूट काफी बड़ा दे दिया, बट डायमेंशंस देखोगे आप गाड़ी के तो एसयूवी के बराबर ही है, एसयूवी के बराबर है, और स्कॉर्पियो से तो और लंबी और चौड़ी तो फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा है। खैर ये भी है, सही बात बोल रहे हो, लेकिन ये बताइए मुझे, जैसे कि आपका ये था कि स्कॉर्पियो में आप पूरे मतलब इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, 7 seater कार है वो, बिल्कुल नहीं भाई, हाँ। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती, जैसे 5 seater कार है वो 7 seater कार है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप इस टाइप की? भाई पहली बात तो फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, फैमिली में अब लोग ही 4 हैं, तो पहले भी 5 ही थे, तब भी कोई दिक्कत हुई नहीं आज तक कभी, वैसे भी क्योंकि 5 बच्चे ही बैठते हैं या फिर सामान आता है ज्यादातर वहाँ, सब आगे एडजस्ट हो जाते हैं, और कभी इतनी भर के गाड़ी बहुत रेयर केसेस में जाती है जहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, कभी इतनी भर के जाती ही नहीं है गाड़ी कहीं भी, तो बस ये है कि अपना नहीं 5 seater यार, अब तो 5 seater आती है, 7 seater आती है, अब इससे ऊपर आप लोग क्या, 7 seater तो इमरजेंसी यूज के लिए होती है, कभी भी वैसे बच्चा बैठा लिया इमरजेंसी में, कोई बंदा बढ़ गया वो बैठा लिया, एडजस्ट करके, क्योंकि कंफर्टेबल तो कभी भी नहीं होती ना फॉर्चुनर की कंफर्टेबल ना किसी अच्छी खासी गाड़ी की, मैंने कंफर्टेबल नहीं देखी सर, तो 3rd row होती है। जैसे अंकल ने स्टार्टिंग से स्कॉर्पियो चलाई है, ठीक है, जैसे आपने बताया था भाई, बिल्कुल, तो अंकल को लगा नहीं कि एकदम से मतलब
थोड़ा हैरियर थो उसके सामने फिर भाई लेनी स्कॉर्पियो ही थी, बात बात सब हो गई थी, बट वो किसी कारणवश कुछ कागज वागज में कोई मतलब कागज पेपर वर्क उसका किसी दिक्कत की वजह से नहीं हो पा रहा था पूरा, तो इसलिए वो ड्रॉप कर दी और उसमें फिर 10 दिन की वेटिंग भी थी। ये गाड़ी हमें हैंड टू हैंड मिल गई, हैंड टू हैंड मिल गई थी। तो एक चीज और बताइए मुझे कि इसका मतलब सिटी में कितना रहता है, कि कितना एवरेज देती है गाड़ी? भाई एवरेज का ऐसा, अगर आप इसके मतलब स्टैटिस्टिक्स जो ये कुछ दिखा दिए तो भाई 13.9 का दिखा रही है ये, 13.9 का दे देती है अभी सिटी में। नहीं दिखा रही है भाई, बहुत डिफरेंस होता है ये, मेरे हिसाब से दे देती होगी भाई अगर आप इसे एफिशिएंटली चला रहे हो, ये ना ज्यादा खींच रहे ना ज्यादा दबा के चला रहे ना ज्यादा मतलब ब्रेकिंग भी आपकी अच्छी है और एक्सेलरेशन भी आपका अच्छा है, तो भाई गाड़ी कम से कम आराम से 15-16 बहुत प्यार से निकाल देती है। और आप इसे जो रैश ड्राइविंग इससे करोगे तो भाई तो 10-12 कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा एग्जैक्ट भाई फिगर क्योंकि मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने कभी इतनी लॉन्ग ड्राइव करी नहीं है, पापा ही चलाता है गाड़ी, मैंने तो कभी मजे मजे के लिए चलाई है। हाँ भाई डीजल ही आता है, पेट्रोल आता ही नहीं है भाई, आपने स्टार्टिंग से डीजल की चलाई? हाँ भाई वो भी डीजल ही थी, उससे पहले पेट्रोल थी। हाँ टू करेंगे, तो आपके ला रहा हूँ खत्म हो गई थी। तो जैसे कि स्कॉर्पियो और इसमें से आपको कोई चूज करनी पड़े कार, तो किसको ज्यादा मतलब प्रेफर करना चाहोगे? भाई प्रेफरेंस अपनी टाइम के साथ चेंज हो जाती है, जब स्कॉर्पियो थी तब स्कॉर्पियो के सामने कुछ गाड़ी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसकी रोड प्रेजेंस पावर उसमें टॉर्क वॉर्क जितना वो देती थी, बट भाई जब से ये है तो अभी लगता है कि भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग देती है। स्कॉर्पियो का गेट मैं बुराई नहीं कर रहा बट ये कि उसके कंपैरिजन में बिल्ड क्वालिटी इसकी भाई बहुत ज्यादा बेटर है। स्कॉर्पियो की बिल्ड क्वालिटी मतलब भाई पहले ऐसा मानना था और ऐसा है भी कि जहाँ नॉर्मल गाड़ी जाके खत्म है वहाँ स्कॉर्पियो जाके बस लटकती है, पर भाई अभी जब से ये गाड़ी देखी है इसकी थोड़ी मतलब इम्प्रूव्ड है आज के टाइम के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया। मुझे ये बताइए स्कॉर्पियो और इसमें से आप चूज करना चाहते हो तो किसे मतलब चूज करोगे? भाई प्रेफरेंस बेस्ड है, चूज जो भी करूंगा प्रेफरेंस बेस्ड है। अगर मुझे थोड़ा सा मतलब लग्जरी दोनों गाड़ी चला लिया ना भाई, थोड़ा सा देख भाई पावर की इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं लगता, 2000 cc का उसका इंजन, इसका इंजन है और 2200 cc का लगभग उसका है, 2179 का डिस्प्लेसमेंट उसका, इसका 1956 का है। और भाई ये है कि अगर थोड़ा लग्जरी फील लेनी है और पावर के साथ उसमें थोड़ा सा मतलब इंटीरियर हल्का सा ठीक है भाई, पहले वाली जनरेशन से सेकंड जनरेशन से मच बेटर है इस वाली में जो थर्ड वाला है, बट ये है कि तब भी इसके कंपैरिजन में तो मात खा जाता है। और कुछ फीचर वाइज मतलब देख लो फीचर बहुत लिमिटेड है, फीचर जो भी जितने भी है कमांड दो अर्चित भाई, भाई मेरे को नहीं पता इसमें क्या कमांड डी लेता है। ओपन सनरूफ ये देखो पूरी खुल गई गाइस, ये इसकी टॉप स्पीड क्या है मतलब कितनी भगा रखी है आपने टॉप स्पीड? तो इसकी 200 सुपर भी नहीं करी, पापा ने चलाई होगी 140 लगभग, अब तो खैर पापा चला दी नहीं भाई ज्यादा गाड़ी। अभी कितनी चली आपकी गाड़ी? भाई गाड़ी चल गई 7278 किलोमीटर 7278। कितना टाइम हुआ है आपको लिए हुए? भाई गाड़ी हो गए जनवरी को ली थी भाई 23 जनवरी 2021 अभी जनवरी में लिया ना, तो ये जनवरी किसी तो लगेगा 2021 में 21 है भाई। ओके तो सनरूफ क्यों नहीं, सनरूफ वाली क्यों नहीं लिया आपने? भाई सनरूफ वाली इसलिए नहीं ली क्योंकि हमारी प्रेफरेंस ऐसी कुछ नहीं थी कि हमें यही गाड़ी लेनी है, भाई गए देखी ले ली, ये नहीं था कि पहले से बुक करा रखी है कि ये ठीक है जो मिल गया उठा लिया। पापा मेरे इन सब चीजों को फैंसी जो चीजें जो सनरूफ हो गई ये ठीक नहीं लगती, बाकी तो भाई कोई ऐसी प्रेफरेंस थी नहीं कि सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है, स्कॉर्पियो का मन था ब्लैक कलर। लेकिन आपने 22 लाख रुपए मतलब इसने डाले हैं 22 लाख रुपए दिए आपने इस चीज के, तो आपको लगता नहीं कि सनरूफ भी चाहिए होनी चाहिए थी इसमें? जैसे होने को तो इसमें सारा पंखा लगा दो हेलीकॉप्टर का, पर भाई ये है कि अब ठीक है जो है भाई वो ठीक है, वरना होने को तो फिर इसमें बहुत कुछ नहीं है अगर ऊपर सेगमेंट से नहीं, जैसे कि आजकल देख रहे हो सनरूफ का ज्यादा क्रेज है बहुत भाई, क्रेज क्या। तो गाइस ये इसका ग्लव बॉक्स देख सकते हो कितना स्पेस है, बहुत स्पेस मिल जाता है आपको, ये देख सकते हैं अब इसमें ट्रे भी है ऊपर से, आपको यहाँ पे मिलता है 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट और इसका भाई जो वो है USB और उसका पेन ड्राइव लगाने का और एक 12 वोल्ट का वहाँ भी है चार्जिंग सॉकेट और एक पीछे है यहाँ दे रखा है अंदर की तरफ पिलर में और एक पीछे पिलर में भी भाई यहाँ। तो हर्षित भाई नीचे पीछे बैठ के कैसा लग रहा है, कैसा फील आ रहा है आपको इसित भाई, आप भी बताओ? बिल्कुल बढ़िया, सेटिस्फेक्शन लेवल इज टोटली फुलफिल। सस्पेंशन के बारे में कुछ बताना चाहते थे भाई, उसका हैरियर का ज्यादा बेटर सस्पेंशन लगा स्कॉर्पियो के मुकाबले में, स्कॉर्पियो में बॉडी रोल भी है उसमें इतना बॉडी रोल नहीं है हालांकि, पर यह कि उसका सस्पेंशन स्टिफ नहीं है इतना, बहुत आराम से गड्ढा पार हो जाता है पता भी नहीं लगता भाई, वरना स्कॉर्पियो में पूरा पेट हिल जाता था शरीर हिल जाता था ऐसा करके भाई। We'll be right back.